हम में से बहुत से लोग यह जानते होंगे कि इतिहास का सबसे लंबा युद्ध रिकॉन्क्विस्टा था जो 781 वर्षों तक चला, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इतिहास का सबसे छोटा युद्ध ब्रिटिश एम्पायर और जंजीबार सल्तनत के बीच हुआ जो केवल 38 मिनट तक चला। 27 अगस्त 1896 को होने वाला यह संघर्ष ब्रिटिश समर्थक सुल्तान हमद बिन थुवैनी की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार विवाद के कारण उत्पन्न हुआ। सुल्तान हमद का उत्तराधिकारी सुल्तान खालिद बिन बरघास था जिसने सत्ता छोड़ने की ब्रिटिश मांगों को खारिज करते हुए पद छोड़ने से इनकार कर दिया। इसके जवाब में अंग्रेजों ने जंजीबार के बंदरगाह पर युद्धपोत भेजे। जब अल्टीमेटम समाप्त हो गया तो अंग्रेजों ने सुल्तान के महल पर बमबारी शुरू कर दी। इस युद्ध में अंग्रेजों ने केवल 38 मिनट में सुल्तान की सेना को हरा दिया। एक तरफ जहां 500 जंजीबारी युद्ध में हताहत हुए, वहीं दूसरी तरफ केवल एक ब्रिटिश नाविक घायल हुआ। यह युद्ध सुल्तान खालिद के आत्मसमर्पण के साथ समाप्त हुआ जो इतिहास में सबसे छोटे और सबसे निर्णायक सैन्य संघर्षों में से एक था।